मीनल, इंटरेस्टिंग। मीनल पूछ रही है मुझे कि सुबह नट्स और ड्राइड फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए। मैं वो बताया था मैं क्या खाता हूँ। मैं थोड़े से वॉलनट और उसके साथ में फिग्स। वॉलनट्स जो है उसमें जो फैट हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और जो फिग्स हैं वो तो एक्चुअली मिनरल पावर हाउस हैं। उसके अंदर मतलब जो मिनरल्स हैं इतने बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात ये कि जो फिग्स हैं, अंजीर, ड्राइड अंजीर, उसको उसके अंदर जो फाइबर होता है दैट्स फैंटास्टिक। तो मतलब खाने के अंदर फाइबर अगर इंक्लूड करना है तो उसमें प्रून से इंक्लूड कर सकते हैं, फिग से इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं तो थोड़ा चेंज भी करता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अगर मेरी लिस्ट में देखा जाए तो फिग्स एंड वॉलनट्स एकदम ऊपर। तो ये वॉलनट थोड़ा ज़्यादा लेकर स्ट्रेस कम करता हूँ, और चॉप करते करते गुस्सा जो है वॉलनट में निकाल लो। वाह, टेंशन कम हो जाए। वैसे भी टेंशन लेने की चीज़ थोड़ी है, देने की चीज़ है। अब मीठा कुछ एक मैं सोच रहा हूँ, आइसक्रीम के साथ में कोई केक बनाता हूँ मैं। ये जो है मैंने नॉर्मल केक बाज़ार से ख़रीदा है, तो ये लंबी छुरी लेकर इसको इस तरह से काट लिया। ये मेरे पास में है स्प्रिंग फॉर्म केक टिन, ये इस तरह से होता है। तो ये लेकर ये बढ़िया से ना बंद हो जाता है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एकदम फटाफट जो केक है ये इसके अंदर डाल देता हूँ, एंड मॉइस्ट करता हूँ दूध के साथ। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज फ्रीज अब करूँगा इसे तो ऐसा नहीं हो जाए ये एकदम आइस हो जाए, आइस क्रिस्टल्स इसमें आ जाएं। तो ये मेरे पास चॉकलेट सॉस, रेडीमेड चॉकलेट सॉस है, एंड इसमें नॉर्मल वनीला आइसक्रीम। सो इसके लिए जो आइसक्रीम है वो फ्रीजर में से निकाल के थोड़ी देर मैंने क्या किया, इसको रख दिया फ्रिज के अंदर ताकि ये मेल्ट हो जाए आराम से। अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इवन कर लेता हूँ। परफेक्ट। मेरे पास कुछ ड्राइड फ्रूट्स, ये कटे हुए गोल्डन एप्रिकॉट, थोड़े रोस्टेड एंड टोस्टेड आमंड्स, और अब फिर ये जो है हमारे पास केक, इसको लेके जरा प्रेस कर देता हूँ। नाइस, एकदम प्रेस कर दिया। फिर बारी मॉइस्ट करने की, बट नॉट टू मॉइस्ट, बी केयरफुल। दूध के साथ में बड़ा अच्छा रहता है ये। ये हो गया, तो ये लेकर अब इसमें ये मेल्टेड आइसक्रीम, नाइस, आइसक्रीम की अच्छी लेयर। ये जो नट्स हैं वॉलनट्स, ये इसके ऊपर, उसके साथ साथ फिग्स ये भी इसके ऊपर। तो ये जो है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। इस पे मैं थोड़ा सा टॉफी की सॉस या कैरमल सिरप वो डालूंगा। तो ये मेरे पास, लुक एट दिस, फ्रीजर में रखना है इसे। वाह, मेरा जो फ्रीजर है वो तो 2 घंटे में इसको जमा देगा। आपके फ्रीज़र की मैं गारंटी नहीं ले सकता। मेरा फ्रीज़र बड़ा तगड़ा है, कमाल का है, और मेरी आवाज़ आदेश सुनता है। काश ऐसा होता है सारे लोग हमारा आदेश सुने। नहीं, आदेश थोड़ी करना चाहिए, जहाँ आदेश ना चले वहाँ पर रिक्वेस्ट करें। जी हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे आदर मिलेगा, आदेश करेंगे नहीं। कभी कभी आदेश भी देना पड़ता है, चलो उठो, चलो ये करो, लेकिन ज़्यादा मज़े प्यार से ही आते हैं, और जितना प्यार बढ़ाएंगे स्ट्रेस उतना कम होगा।
ये जो आइसक्रीम सैंडविच बना है दिखने में एकदम इतना बड़ा है, अब इसमें से पीस छोटा बड़ा कैसे भी काट के, मैं जब खाता हूँ तो पहले बड़ा काटता हूँ, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो पीस अपने आप छोटा हो जाता है। अब इसमें एकदम चिल्ड, मज़ा उसी में ही है जब ये एकदम चिल्ड हो, और इसकी जो बाइट है हल्का सा आइसी टेस्ट, क्रीमी, नाइस, च्यूई, और उसके साथ में कहीं कहीं थोड़ा सा जो आइसी टेक्सचर आता है उससे जब पैलेट पे झंझनाहट होती है तो मज़ा आ जाता है, नींद खुल जाती है और स्ट्रेस कम हो जाती है।